बोलेगी नहीं। एक घंटे बाद पापा को वापिस आता है तो देखता है कि बद्रीनाथ का किसी ने खून कर दिया, तो वह तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस जब लाश की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को तीन लोगों पर शक होता है, जो है जीवा, ज्ञान और करण। पुलिस इन तीनों से इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है, तुम तीनों में से बद्रीनाथ का खून किसने किया है? तो सबसे पहले जीवा कहता है कि बद्रीनाथ सुबह 8 बजे मेरे पास दूध लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे दूध नहीं दिया क्योंकि मेरे पास दूध नहीं था। तो बद्रीनाथ वहाँ से चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि बद्रीनाथ को किसने मारा। तो ज्ञान कहता है, मैं तो तब सो रहा था, मुझे नहीं पता कि बद्रीनाथ को किसने मारा है। करण कहता है, सर बद्रीनाथ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कल से घर पर नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि बद्रीनाथ को किसने मारा। तो पुलिस इन तीनों की बातें बहुत ध्यान से सुनती है और तुरंत ही पता चल जाता है कि बद्रीनाथ को किसने मारा। दोस्तों, क्या आपको पता चला? तो कमेंट कर दीजिए। जीवा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों जीवा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जीवा ने कहा था कि बद्रीनाथ मेरे पास दूध लेने के लिए आया था और मैंने उसे दूध नहीं दिया। तो पूरी और देखेंगे, जब बुद्धदेव बद्रीनाथ को बाय कहकर गया था तो वहाँ पर एक दूध की बोतल इतनी थोड़ी रही। इसका मतलब ये है कि बद्रीनाथ को जीवा ने ही मारा। तो दोस्तों 2:20, 2:25 कमेंट करके जरूर।